नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। विश्व हिंदू परिषद ने मनाया 60वां स्थापना दिवस, हिंदुओं को एकजुट करने का लिया संकल्प। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर हसाइन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसंत कुमार वर्मा ने की और संचालन आशीष कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत हिंदू समाज को संगठित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में हिंदू समाज को एकजुट करने समेत गोहत्या एवं धर्मांतरण को रोकने पर चर्चा हुई। जात भेद को दूर कर सभी हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप कुलश्रेष्ठ ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में जन्माष्टमी के दिन हिंदू समाज को एकजुट करने, मजबूत करने, हिंदू धर्म की सेवा और सुरक्षा करने के उद्देश्य की गई थी। साथ ही गौहत्या और धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकना भी इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप कुलश्रेष्ठ, नगर अध्यक्ष बसंत कुमार वर्मा, राहुल वासड़े नगर मंत्री, आशीष कुमार गुप्ता, चुन्नू वासड़े, सुदीप वर्मा, मोर मुकुट कुशवाहा, पवन कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, पवन वासड़े आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। आज का जो ये कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद अपना षष्ठी पूर्ति समापन वर्ष मना रही है और स्थापना दिवस भी मना रही है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, जो अपने हमारे हसाइन प्रखंड के जो अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमान बसंत जी भाई साहब, इनके यहाँ प्रतिष्ठान पर ये कार्यक्रम हुआ है। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष जी आए थे। हम सब लोगों को निर्देश दिया गया कि लव जिहाद वगैरह या किसी को संगठित हिंदुओं को कोई परेशान करता है या कोई विशेष व्यक्ति उनको तंग करता है या कोई बात होती है, सब लोग संगठित होकर उसका विरोध करें और कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोगों से मिलें, हम लोग उसमें उनकी पूरी मदद करेंगे हर तरीके से। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति थे, उन सबके बीच में सारी बातें हुई, उसके बाद स्थापना दिवस को बहुत बढ़िया तरीके से मनाया।